लोगों को जिंदगी जीने का संदेश अपनी फिल्म छिछोरे के जरिए देने वाले मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े हुए आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी यादें करोड़ों दिलों में जिंदा है। बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। एक्टर की मृत्यु की खबर ने उनके फैंस का दिल तोड़ दिया था। एम्स की जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई, मगर उनके परिवार और चाहने वालों को लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते। सुशांत के परिवार ने भी जब अपने बेटे की मौत का सच पता लगाने के लिए आवाज उठाई और जांच की मांग की, तो शक की सुई सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लेकर कई लोगों पर अटकी। देखते ही देखते मामला ड्रग्स तक जा पहुंचा, जिसमें कई सेलिब्रिटियों का नाम सामने आया। 2 साल बाद भी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के रहस्य की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। ऐसे में एक्टर के फैंस उनके लिए इंसाफ की मांग अब भी करते रहते हैं। इस बात को अब 2 साल हो गए हैं, पर इससे जुड़े कई सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। कहते हैं एक बच्चा सबसे ज्यादा करीब अपनी माँ से होता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की माँ का निधन बचपन में ही हो गया था, जिसका उन पर काफी असर हुआ। इसके बाद अभिनेता अपने पिता और बहनों के काफी करीब हो गए। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें लेकर अपना प्यार जाहिर करते रहते थे। उनकी पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया के जरिए तमाम फैंस उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस और सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी इंस्टाग्राम के जरिए सुशांत को याद करते हुए कुछ अनसीन तस्वीरें शेयर की है। अब बात उनके करियर से जुड़ी करें तो एक्टर ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बैकअप डांसर के रूप में की थी और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कई बार डांस किया था। वहीं पर उनको सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस किया, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत हुई किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल से हुई, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। पर उनकी असल पहचान टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से हुई, जिसके मानव नाम के किरदार ने घर घर में उन्हें पहचान दिलवाई। पवित्र रिश्ता के बाद जब फिल्मों में एंट्री करने की बारी आई तो एक्टर ने फिल्म काई पोचे से अपना डेब्यू किया था। यह फिल्म साल 2013 में आई थी। इसके बाद एक एक करके शुद्ध देसी रोमांस, एमएस धोनी, पीके, केदारनाथ, छिछोरे और दिल बेचारा जैसी फिल्में आई, जिसमें दिल बेचारा उनकी अंतिम मूवी थी जो उनके मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। परिवार द्वारा हत्या की साजिश का आरोप लगाए जाने के बाद जो जांच शुरू हुई वह अभी तक जारी है। सुशांत के चाहने वाले इस इंतजार में हैं कि उनके चहेते स्टार की मौत का सच सामने आए। आखिर उनका यह इंतजार कब पूरा होगा यह देखना अभी बाकी है।